हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल तरीके से वेज रोल बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन और मिर्च, विनेगर, प्याज और नमक। पहले स्टेप में आप भरने के लिए मसाले को तैयार कर लें। सबसे पहले एक बर्तन में पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, अदरक, मिर्च और लहसुन डालकर विनेगर मिला लेंगे। अंत में स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोल के कवर को बनाने के लिए मैदे में पानी डालकर इसे आटे जैसा गूंथ लें। गूंथने के बाद इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख दें। रोल को और ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए चाहे तो इसके ऊपर सूती का कपड़ा डाल दें। चलिए अब हम रोल के मसाले को बनाते हैं। अपने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालिए और उसको गर्म होने दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तो वेजिटेबल मिक्स पैन में डाल दीजिए। अब हम रोल की फिलिंग को हल्के हल्के 5 मिनट तक तेज आंच पर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। फिलिंग को ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि रोल के अंदर जो फिलिंग होती है वो सेमी फ्राइड होती है। टेस्ट के लिए सोया सॉस और सेजवान सॉस मिला लें। अब हम रोल के कवर को बनाएंगे। देखिए, हमारी लोई काफी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे छोटे बॉल के आकार में निकाल कर इसे रोटी के आकार में बेल लीजिए। रोटी को मोटा ही रखिए क्योंकि रोल के कवर को मोटा ही रखा जाता है। अब तवे को गरम कर ले। जब तवा गरम हो जाए तो रोल कवर को तवे पर डाल दे। जब एक तरफ रोल कवर गरम हो जाए तो इसे दूसरी ओर पलट दे। पकने के बाद इस पर तेल डालकर इसे पराठे जैसे सेक ले। अब रोल की रोटी के ऊपर चाहे तो टमेटो सॉस या मेयोनीज स्प्रेड लगा ले। रोल की फिलिंग को इस तरह रोल के कवर के ऊपर डालकर भर ले। चाहे तो इसमें चीज भी मिला ले। अंत में इसे रोल की तरह फोल्ड कर ले। आपकी रोल अब सर्व करने के लिए तैयार है।